नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं दुबई से रिलेटेड। भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो दुबई से इंडिया आ रहे हैं। दुबई की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 22 फरवरी 2021 के बाद में इंडिया में कोविड एयरपोर्ट गाइडलाइन SOP जारी कर दी गई थी। मैंने एक वीडियो बनाया भी था, आपने देखा होगा, आप सबको बताया होगा। बाकी जो लोग विदेश से आते हैं, चाहे आप दुबई से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, उनको 100% आपको पता होने के बावजूद आए। यहाँ पे हम बात करेंगे, एयरपोर्ट पे 8 लोग रह गए, 8 यात्रियों को एयरपोर्ट पे फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया। इसका क्या रीजन था? पैसे भी उनके पास, टिकट थी, सब कुछ, वो एग्री थे। उनके बेटा अच्छे जॉब पे, वहां पे प्रोफेशनल लाइन में जॉब है। उनके वर्ध माता पिता तो 60 साल से ऊपर थे, वो एयरपोर्ट पे, उनकी फ्लाइट मिस हो गई, वो खड़े रहे एयरपोर्ट की फ्लाइट, वो निकल गई। क्या रीजन था, डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज दुबई से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, मैं बता दूं, कोविड का फॉर्म नहीं भरने से 8 लोगों की फ्लाइट मिस हो गई। इसका क्या रीजन था, डिटेल से जान लें। आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी आप आ रहे हैं, 22 फरवरी 2021 से इंडिया का एयरपोर्ट है, वहां से गाइडलाइन चेंज हो चुकी, इस बात को ध्यान रखना। जो लोग, जो माता पिता थे, उनके इंडिया से एक महीने पहले दुबई गए थे, ठीक है, वो अपने बच्चों के पास में एक महीने से थे, अभी उनको इंडिया आना था। मैं बता दूं, 63 साल से ऊपर वर्ध माता पिता थे, दुबई से बॉम्बे के लिए आना था। 11:30 बजे दुबई एयरपोर्ट की उनकी फ्लाइट थी, 9 बजे वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। इसके हिसाब से तो आ जाना चाहिए था उनके पास। मैं बता दूं आपको इस बात का, आपको भी ये जो बातें हैं ना, आप लोगों के ऊपर लागू हो जानी चाहिए 100%। सब घोषणा प्रमाण पत्र होता है, वो अपलोड नहीं किया था एयर सुविधा पोर्टल दिल्ली, एक वेबसाइट आप सबको बताया, सब घोषणा में उसमें डेटा देना होता है 14 दिन के लिए कि मैं यहाँ था, ये था, बीमारी से रिलेटेड पूरी बातें बता के उसको एयर सुविधा पोर्टल पे अपलोड करना होता है। उसकी एक प्रीति आपको फोटोकॉपी लेनी होती है। दूसरा PCR प्रमाण पत्र है, उसकी भी आपको फोटोकॉपी लेनी होती है। इन दोनों बंदों के, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उनके पास दोनों की फोटोकॉपी नहीं थी। उन्होंने सब घोषणा प्रमाण जो फॉर्म था वो नहीं भरा, नहीं भरने की वजह से उनके पास जो अनुमति पत्र था वो नहीं मिल पाया। इस वजह से दोनों को फ्लाइट मिस करनी पड़ी और इन इसी फ्लाइट के अंदर लगभग 6 लोग और थे, टोटल 8 लोगों की फ्लाइट मिस हो गई। जी हाँ, हालांकि उनका जो वहां उनको छोड़ने आए थे एयरपोर्ट तक, उनके जो बच्चे पढ़े लिखे थे, उन्होंने पूरी कोशिश करी वहां से एयर सुविधा वेबसाइट पे वो फॉर्म अपलोड करने की, क्योंकि उनके पास टाइम पड़ा था घंटे भर का, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, एयर सुविधा वेबसाइट थी वो क्रैश कर गई। जी हाँ, क्योंकि एक वेबसाइट है, पूरी वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, तो वो वेबसाइट फिर है ना, उस पर लोड बढ़ जाता है तो वो हैंग हो जाती है, वही कम स्टॉप, वो काम करना बंद कर देती है। तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो वेबसाइट थी वो क्रैश हो गई। फिर वहां पे 35 दिरहम देके ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे एयरपोर्ट के अंदर, वहां पे 35 दिरहम भी दिए कैंडिडेट के, उसके बावजूद भी उनका फॉर्म अपलोड नहीं हो पाया। जी हाँ, देखते देखते वो खड़े रहे, बेबस होकर फ्लाइट निकल गई। एयरपोर्ट के जो एयरलाइन के जो अधिकारी थे, उन्होंने भी बताया कि हम माफी चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आपकी सीट खाली जाएगी, हमें कोई वजन नहीं लगता, हमें भी नुकसान होता है, कॉर्पोरेट नुकसान होता है, हमें भी दिक्कत होती है, लेकिन क्या करें, सरकार का जो विदेश मंत्रालय एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो उनका साफ साफ मुझे हमें सख्त आदेश मिला हुआ है कि अगर इन परिस्थितियों में अगर आप लेके आते हो तो आपकी एयरलाइंस को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इस चक्कर में हमारी मजबूरी, हम नहीं लेके जाते। हालांकि हम 1-2 दिन पहले से जो हमारे क्लाइंट ट्रेवल होते हैं, जो यात्री होते हैं, हम उनको मैसेज करने लग जाते हैं कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लेके आइए, फिर भी आप नहीं लाते हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, ये बातें उन्होंने बताई। यहाँ पे देखिए, ये बातें क्लियर होगी, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। ये सब घोषणा प्रमाण पत्र एयर सुविधा वेबसाइट पे, इसका एक अलग से मैं वीडियो भी अभी डाल दूंगा, 1-2 दिन आज ही आ जाएगा शायद, आप देख लेना, उसमें कुछ कंडीशन बताई गई है। इंडिया के अलग अलग स्टेटों में अलग अलग क्वारंटाइन के नियम है, एयरपोर्ट के नियम है, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग वीडियो अभी डाल दूंगा, आज में आ जाएगा इसी के साथ में। तो अभी सोचने वाली बात यह है कि जो वर्ध, जो उनके माता पिता थे, उनके जो बेटे ने वहां पे अल्खलीज में एक बयान दिया कि चलो कोई नहीं, हमारे पास पैसा है, हम दोबारा टिकट बना लेंगे, हम यहाँ पे मेहनत भी कर कि हमने एयरपोर्ट के अंदर भी पैसे भी दिए, दोबारा हमने साइड पर भी कोशिश की, अपलोड नहीं हुआ, फॉर्म नहीं मिला, अलग बात है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, जो एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, उनका क्या होगा, 100% उनका होना क्या है, वो मायूस होकर उनको वापस दुबई में रहना पड़ेगा, फ्लाइट उनको नहीं मिल पाएगी। तो भाई अनपढ़, कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं है तो जरूरी नहीं होता, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो नहीं कर सकते। आप जहां से टिकट बना रहे हैं वहीं से अपना काम कंप्लीट करवाइए,
वरना आपको एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट, कोई भी किसी भी कंट्री का एयरपोर्ट हो, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इतने दिन नहीं थी, 22 फरवरी से एसओपी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के नियम लागू हो चुके हैं, आपने पता कर लीजिए। मैंने भी वीडियो बना के रखा है, वो आप देख लीजिए। आज एक वीडियो और अपलोड करूंगा, वो भी आप देख लीजिए। उसमें आपको वहां से कंप्लीट तैयारी करके आनी पड़ेगी इंडिया में। इंडिया भी आना आप इतना संभव नहीं है, कोविड टेस्ट रिपोर्ट लेके आना वगैरह वगैरह, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि अब हमारे पास यहाँ पे कोविड के आंकड़े बढ़े। इसको कंट्रोल करने के लिए सख्ताई कर दी है, तो अगर जरूरत नहीं है तो बचे आने से, हो सकता है महीने दो महीने बाद आ जाइए, ताकि झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर इमरजेंसी आपको लगता है नहीं जी हम कंप्लीट करेंगे फिर इंडिया आएंगे, तो आप आ सकते हैं, आपकी मर्जी होगी। बाकी बस ये अपडेट आप लोगों से शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।